देखिए प्रॉपर्टी थ्री पे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जो स्लाइटली और डिफरेंट डिफाइंड है. दिस इज प्रॉपर्टी थ्री और उस पर बेस्ड एग्जांपल 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, राइट. सो अगेन उसको वापस हमें डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहता है इंटीग्रेट करवाना 0 से 2 के बीच में और मॉड लग रहा है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है. ठीक है ना, तो हम पहले इसकी इसकी नेचर देखें ये कैसा है. अगर इसको इंटरनली अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को, तो इसके फैक्टर्स ऐसे जाते हैं. दिस इज एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ये आएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये इनके क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे तो आपको मिलेंगे -3 और 1, -3 और 1 मिलेगा. व्हेन यू टेक द एक्स इज ग्रेटर देन 1, सो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू लेंगे तब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा. एट दैट टाइम इट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव रहेगी. और जब हम देखेंगे कि -3 से 1 के बीच में है, तो -3 से 1 के बीच में सपोज 0, हम इस बात के लिए कि कौन सा फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है, एक एग्जांपल के लिए 0 रख लीजिए. 0 अगर रखते हैं तो 0 प्लस 3 ये फैक्टर पॉजिटिव देगा, 0 माइनस 1 ये नेगेटिव देगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू बन रही होगी. सो अगर इफ इट इज मेकिंग नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द रूट इनसाइड द मॉडुलस देन इट विल ओपन नेगेटिव. तो इस बीच में इस इंटरवल के बीच में इस मॉड को नेगेटिव खोलना है और -3 से छोटे में वापस फिर ये पॉजिटिव खुलेगा बिकॉज दोनों ही फैक्टर्स नेगेटिव ओपन होंगे. बिकॉज -3 से स्मॉलर है, एग्जाम्पल के लिए -4 प्लेस करके देखिए, -4 प्लस 3 नेगेटिव, -4 माइनस 1 नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेक्स द पॉजिटिव. सो जो मॉडुलस होगा दैट विल ओपन पॉजिटिव, राइट. तो हमें लेकिन देखिए इंटीग्रेट करना है 0 से 2 के बीच में इसको, तो 0 आता है लगभग यहाँ, 0 यहाँ आएगा, 0 इस जगह आता है और 2 यहाँ पे आएगा. तो अगेन द कर्व इज डिफरेंटली डिफाइंड. सी हम लेंगे इसको 0 से 1 के बीच में, हम दो पार्टीशन कर लेंगे इसके, ये दो पार्टीशन लेंगे 0 to 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में. मेन क्रिटिकल पॉइंट 1 और -3 था, तो -3 से 1 के बीच में ये नेगेटिव बना रहा था और 1 से आगे पूरे इन्फिनिट तक वो पॉजिटिव दे रहा था. लेकिन 1 से 2 इंटीग्रेट करना है तो बीच में ये पॉइंट जो है वो उसको दो पार्टीशन दे देगा. वहां पे पर्टिकुलरली इट इज दिस कर्व इज डिफाइंड डिफरेंटली, तो उसको हम अलग से लिख देंगे. और इस तरह देखिए ये वैल्यू आएगी इसकी, दिस इज 0 to 1, 0 to 1 ले लेंगे. 0 to 1 में ये नेगेटिव ओपनिंग देगा, सो नेगेटिव इसको ओपन कर लेंगे. दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस, और 1 से 2 में इसको पॉजिटिव लिखेंगे. बिटवीन 1 to 2 इट इज पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे. अब देखिए माइनस आएगा, दिस इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस का 2x2 बाई 2, एक्स स्क्वायर बचेगा -3x. माइनस साइन मैंने टोटल बार रखा है तो वो बार भी हो सकता है, इसमें अंदर भी रख सकते थे. इट इज बिटवीन 0 to 1 एंड प्लस अगेन दिस इज x3 बाई 3 प्लस इट विल गिव द x2 माइनस 3x. ये हमने इसके इंटीग्रेशन लिए एंड इट इज बिटवीन 1 एंड 2, और वैल्यू प्लेस कर दीजिए आप. माइनस साइन से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज यहाँ हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, सो इट इज 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 3, ये एक पार्ट हो गया. और 0 प्लेस करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं बिकॉज तीनों में 0 आएगा, माइनस करना था, राइट. प्लस अच्छा जब वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू देगा इस तरह से, देखिए दिस इज 2 है, 2 क्यूब 8 बाई 3 देगा, प्लस 4 माइनस 3 टू जस्ट 6 एंड माइनस लोअर लिमिट प्लेसमेंट, लोअर लिमिट प्लेसमेंट इंटू होल इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, तो उसमें आप जैसे ही वैल्यू प्लेस करेंगे 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 3 वैल्यू बनने वाली है.
इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बन रहा है, माइनस टू वन, दिस इज वन बाय थ्री माइनस टू, सो इट इज थ्री वन, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स, माइनस फाइव बाय थ्री, सो इट गिव, इट विल गिव द पॉजिटिव फाइव बाय थ्री। यहाँ से ये वैल्यू सेट हो जाती हैं, प्लस इनको सिंपली ओपन कर देते हैं एक बार, ये वैल्यू देगा माइनस टू, एंड दिस इज माइनस टू, सो दिस इज प्लस टू, एंड माइनस वन बाय थ्री, सो ये कट जाएगा, एट बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री सेवन बाय थ्री, एंड प्लस फाइव बाय थ्री ट्वेल्व बाय थ्री, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर। इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टी थ्री के हमने भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, फिर बाद में मिसलिनियस में और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें लेंगे। नेक्स्ट हमारी है प्रॉपर्टी फोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं, जनरलाइज रिजल्ट्स भी बहुत सारे हैं, वो हम बहुत आराम से उनको सीख सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी फोर। देखिए प्रॉपर्टी फोर बेसिकली ये है कि जीरो टू ए, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पहले हम इस खाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, समझेंगे कि व्हाई दिस कैन बी रिटन इक्वल्स टू दिस वन, फिर उससे रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंस इसकी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर रिजल्ट में अगर आप इसमें इसमें राइट हैंड साइड लें, इसकी आर एच एस लें, और आर एच एस में जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस वैल्यू को टी लेट कर लें, लेट ए माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, सो माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, ये एक चेंज आएगा, और इसमें लोअर लिमिट लिख दें, लोअर लिमिट हो जाएगी एक्स की वैल्यू जीरो प्लेस करेंगे, सो टी इक्वल्स टू ए, एंड अपर लिमिट विल बी, अपर लिमिट ये हो जाएगी कि आप इसमें एक्स की अपर वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे जो सब्सटीट्यूशन किया है इसमें, सो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए, सो टी इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है उस वैल्यू को आप ऐसे लिख पाएंगे, लोअर लिमिट अब आपकी हो जाएगी ए, अपर लिमिट हो जाएगी जीरो, राइट, एंड इन प्लेस ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स की जगह टी लिखा, ठीक है, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखा, माइनस डी टी लिख दिया, राइट। अब जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग वी कैन इंटरचेंज द लिमिट्स, वेन यू इंटरचेंज द लिमिट द माइनस साइन डिसअपीयर्स, सो दिस इज जीरो टू ए एफ टी डी टी, और ये हमने बाय प्रॉपर्टी सेकेंड लिखा इसको, और बाय द प्रॉपर्टी फर्स्ट वी कैन राइट द जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी वन ये थी कि बाय चेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंजेस, तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, तो ये चीज आ गई, एंड इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का, ये तो इसका प्रूफ हुआ, इस बात को समझा कि इस चीज को इसके बराबर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम इस बात को समझेंगे कि यूज क्या है इस प्रॉपर्टी का, सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि हाउ टू यूज ये जो प्रॉपर्टीज हैं इतनी सारी, इनको अब कैसे क्वेश्चंस में किस तरह से हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, तो उसका बेसिक यूज बता रहा हूं मैं। पी फोर इज यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन पी फोर इज यूज्ड। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट है कि जब पी फोर को यूज करेंगे, व्हेन पी फोर इज यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, बस इतना लिखेंगे, पी फोर इज यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज रहता है बट न्यूमरेटर इसमें चेंज होता है, और जब न्यूमरेटर चेंज करेगा डिनोमिनेटर अनचेंज होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली बाय यूजिंग सम रिजल्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको यूज करके हम उसको कैसे इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है और इस प्रॉपर्टी का यूज।
मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली ए इक्वल्स टू पाई बाई टू। देखिए ज्यादातर इस प्रॉपर्टी को जब यूज करवाता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस ए वैल्यू इज पाई बाई टू और वो डायरेक्ट यूज होता है। अब आप इसका एक डायरेक्ट में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 0 to π/2 दिया और साइन टू द पावर 3/2x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x dx। सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, दिस इज 3/2 पावर साइन टू द पावर 3/2x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x। तो इसको हम इंटीग्रेशन आई ले लेंगे और जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, P4, यूजिंग P4, सो इट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस x बाय a माइनस x। ये रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पे, x को a माइनस x से रिप्लेस करता है। फंक्शन में जो भी होगा x, x की जगह आ जाएगा आपका a माइनस x और a जो है इस इंटीग्रल में इसकी अपर लिमिट है। यहाँ पे भी ये a पाई बाई टू है। तो फाइनली बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 4 दिस विल बिकम 0 to π/2 साइन ऑफ 3/2 एंड दिस इज π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से नीचे हो जाएगा साइन 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 3/2 π/2 माइनस एक्स। इस तरह से लिखना होगा, सब जगह एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दिया, π/2 जो कि अपर लिमिट है, ए वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से लिखने पर वैल्यू हो जाएगी आपकी, साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस ऑफ 3/2x और साइन वाला यहाँ पे भी कॉस में हो जाएगा, कॉस 3/2x प्लस जो कॉस है वो साइन हो जाएगा। तो देखिए अल्टीमेटली जो हम बात बोल रहे थे कि डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है इसमें, तब इस प्रॉपर्टी का बेस्ट यूज होता है। दिस बिकम्स द सेकंड आई, दिस इज इक्वेशन से 1, इट इज इक्वेशन सेकंड और दोनों को जब ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आई, तो 0 से पाई बाई 2 है और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे जिस तरह से हम सेपरेट करते हैं इंटीग्रल साइन, वैसे ही कंबाइन कर सकते हैं। दोनों फंक्शंस में आप देखते हैं ये इसका डिनोमिनेटर सेम पोर्शन है, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन 3/2x डिवाइडेड बाय साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। ठीक है, प्लस और इसका ये पोर्शन लिमिट दोनों पे सेम है तो आप एक साथ इसको कंबाइन करके वापस लिख सकते हो, कॉस 3/2x प्लस साइन ऑफ 3/2x। जब ये कंबाइन हो गया तो फिर आप देखिए इस तरह से लिख दोगे, ये हटा देते, 2 times of i equals to 0 to π/2, denominator is same, then you can add these two. तो दोनों सेम ही हो जाएगा, ऊपर sin 3/2x plus cos 3/2x हो जाएगा, नीचे भी वही होगा, so पूरा वैल्यू कट कैंसिल हो जाएगा, 1 देगा, so it is simply the dx, dx का इंटीग्रल हम लिखेंगे x और उस पर लिमिट लगा देंगे पाई बाई टू से 0, so 2 times of i equals to this is π/2 और i equals to π/4, so this is the answer। तो बहुत ही आसान है प्रॉपर्टी 4 का यूज, आपको ध्यान ये रखना है P4 is used when denominator of the integrand of this function remains unchanged। जब प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है और न्यूमरेटर में तो डेफिनेटली चेंज आता है, और जब उनको दोनों को ऐड करते हैं देन वी गेट द रिजल्ट। अब इस पे बेस में जनरल रिजल्ट है मेरे पास में, तो उनको मैं आपको लिखा देता हूँ, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कितना कोई क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखाने की कोशिश करे तो उसमें हमें पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सबका आंसर एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले कुछ मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन, जिस तरह से ये क्वेश्चन क्रिएट किया है इसी तरह से और भी हम कई सारे ले सकते हैं, सब में बात एक ही है, और फिर उसको समझेंगे कि दूसरे कई केसेस में भी उसी चीज को यूज किया जा सकता है। सपोज ये इसका आंसर हमने पाई बाय 4 बनाया, अगर वो मान लीजिए ऐसा लिख दे 0 से π/2 √sin x लिख दे √sin x डिवाइडेड बाय
root of sin x plus root of cos x, and we know the answer is pi by 4, क्योंकि ये numerator denominator same है, denominator by using the property 4 it will remain same, और जब दोनों add होंगे तो root sin x cos x बन जाएगा, 1 बनेगा, again the answer is same. और अगर कोई मान लीजिए power change भी कर दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर मान लीजिए इसमें sin 7 by 10 power लगा दे, sin 7 by 10 into x plus cos of 7 by 10 into x लगा दे, तो भी value उसका answer pi by 4 ही लिखोगे आप, ठीक है, या कुछ भी कर दे, sin suppose ऐसा लिख दे, इसकी value भी pi by 4 है, तो इसकी भी value वही है, sin cube x लिख दे, sin cube x upon sin cube x plus cos cube x into dx, see this power can be anything, right, तो इसका भी answer 0 to pi by 2 limit होगी, ठीक है, इस केस में भी आपको pi by 4 ही मिलने वाला है, हर केस में वही मिलेगा, तो क्या हम कुछ इनके general results लिख दें, जिनमें सब में same ही answer आएगा, वो आपको directly एक ही बात याद रखनी पड़ेगी, कि यदि ये इस format का है, तो उसमें answer उठा के pi by 4 लिखना है, और कोई change नहीं आएगा, बिल्कुल, तो मैं कुछ इस results ऐसे लिखता हूँ, जिनके सबके answer pi by 4 हैं, उसमें कोई भी n की value place हो, तो वो question कितना भी मतलब दिखने में थोड़ा सा वैसा दिख सकता है tough सा, हो सकता है कि इस type के question को आप जब आप property 4 आपने use नहीं की थी, तो आपको लगे कि ये कुछ tough है, ऐसा ये बहुत easy हो गया, इस पे power हमने different place की, तो भी वही देखते हैं, वही answer है, इसमें भी वही answer है, ठीक है, सभी का answer इसमें pi by 4 है, तो वो मैं direct results लिखता हूँ, जो बहुत important है, और they are the direct shortcuts, direct shortcuts directly you can use, just see the property 4, अगर P4 का use हो रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो हमारे इसके P4 के results ये हैं, देखिए, अगर इस तरह से लिखा हो, now, this is property 4, and important shortcut results, वो मैं जानकर ऐसा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि generalized results हैं और ये सब एक ही answer दे रहे हैं, जैसे कि first वाला ये है, if it is given 0 to pi by 2 sin nx upon sin nx plus cos of nx, इसकी value हो या आपका ये हो 0 to pi by 2 हो, cos of nx dx divided by sin nx plus cos of nx हो, ये अलग से उठा के ये वाला क्वेश्चन दे, उस पे n पावर कुछ भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, n की कोई भी पावर हो, ठीक है, उस केस में आपको आंसर इसका दोनों के pi by 4 ही मिलने हैं, so this is the general result, you just decide what is the n and then you can put the answer as a pi by 4, so directly answer उसका pi by 4 लिख सकते हो आप, ठीक है ना, वो cos से start कर सकता है, वो sin से भी start कर सकता है, दूसरा result ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दे, 10 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, 0 to pi by 2 10 nx divided by 10 plus cot, ठीक है ना, इसमें लिखा है इसने 10 plus cot भी use कर सकते हैं, right, 1 plus पहले 10 का ही लिख देते हैं, 10 nx plus cot of nx dx, इसकी value भी 10 cot में convert हो जाएगा, cot 10 में convert हो जाएगा, और इस particular result को लेकिन 10 pi by 2 limit लगाने पर, ठीक है, इस result को लिखा जा सकता है, right, so this is equals to 0 to pi by 2 and this is cot nx divided by 10 nx plus cot of nx into dx, both are equals to pi by 4, देखिए बिल्कुल कितने general results हमें मिल रहे हैं, कि इस particular format में n को कुछ अलग-अलग रख के वो बहुत अलग तरह के सवाल बना सकता है, लेकिन हम directly pi by 4 answer उसका लिखने वाले हैं, तीसरा है अगर 0 to pi by 2, ये आ गया आपका 10 वाला result, देखिए 10 nx
टेन एन एक्स डी एक्स हो एंड वन प्लस टेन एन एक्स हो तो भी वही वैल्यू देगा। रीजन यह है, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, और ये आपका जीरो टू पाई बाय टू कॉट भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, कॉट एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट लिखेंगे तो कॉट लिख देंगे, ठीक है, नीचे कॉट आएगा, दिस इज कॉट एन एक्स डी एक्स। इन बोथ द केसेस द आंसर इज पाई बाय फोर। हम पाई बाय फोर आंसर की तरफ चल रहे हैं कंटिन्यूसली इन सो मेनी वेज। इफ द क्वेश्चन इज गिवन देन यू हैव टू राइट द आंसर एज अ पाई बाय फोर। जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस पुरानी इसी फॉर्म में, जीरो टू पाई बाय टू है, या आप लिखोगे साइन एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस लिखेंगे तो कॉस तो इधर सपोज साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम लेंगे तो साइन अपॉन कॉस, दिस इज कॉस एन एक्स प्लस साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये वापस आपके ये पुराने फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट को जैसे कॉस अपॉन साइन आप लिखेंगे कॉस एन एक्स बाय साइन एन एक्स, तो नीचे भी कॉट को लिख लें कॉस अपॉन साइन, सो अगेन इट ऑल्सो कन्वर्ट इन टू दिस फॉर्मेट, और ये वाला इधर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो फिर भी आंसर इनके सबके आ रहे हैं, अभी तक पाई बाय फोर ही चल रहे हैं, आंसर इनके पाई बाय फोर ही है। मतलब अगर ये फॉर्म पकड़ा हुआ है इसने और अपर लिमिट पाई बाई टू है और लोअर लिमिट जीरो है, तो इस केस में इस तरह के जितने भी सवाल वो बनाएगा आंसर आप पाई बाई फोर लिखोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है, इसके बाद में और लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट्स। सपोज इस तरह से हो, डी एक्स जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन वन प्लस टेन एन एक्स, ये भी हो तो भी चलेगा बिकॉज साइन कॉस में कन्वर्ट करने पर ये एलसीएम ऊपर जाएगा, और जीरो टू पाई बाई टू हो तो डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एन एक्स, इनके भी आंसर पाई बाय फोर ही है, डायरेक्ट आंसर पाई बाय फोर है। यू कैन चेंज एन नो प्रॉब्लम, वट एवर इज द एन यू कैन गेट द आंसर एज ए पाई बाय फोर, ठीक है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख लेता हूं, मैं सेक और कोसेक के बीच में भी सेम पैटर्न चलता है, यानी कि जीरो से पाई बाई टू हो जाए, यानी कि सेक एन एक्स डी एक्स हो जाए, तो उसको लिख सकते हो साहब सेक एन एक्स प्लस कॉसेक एन एक्स, ये भी आपको पाई बाय फोर ही दे रहा है, जीरो टू पाई बाय टू, क्योंकि तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है 90 माइनस थीटा से, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली जब प्रॉपर्टी फोर का यूज होगा तो ये आंसर पाई बाय फोर ही देने वाला है। दिस इज कॉसेक ऑफ एन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय sec of nx plus cosec of nx and its answer is also pi by 4। अगर और बात करें sec हो गया, इसके बाद में जो next results हैं वो मैं आपको next clip में लिखूंगा, वो तीन चार results और हैं, तो उसके बाद में हमारा ये particularly property 4 का ये results पूरे होंगे, फिर उस पर based questions भी लेने हैं।